Delhi. And the boat which I studied, it was like exact. We get along and Prakriti Sorol of a variety of courses, which is student leads, and which are a different focus. So some course would be related to skill enhancement, some can be which develops the ability of the student. Some of these courses are which, you know, creates a good citizen, you know, good human being. So value-added courses are there. And minor courses is, so normal BBA is also with a specialization. So what happens, so we have, let's say, four buckets we are offering, four different lists of specializations we are offering. ई-कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग का सॉर्ट ऑफ कोई एरिया जा रहा है ई-कॉमर्स इज प्रोफेसर डॉक्टर डीके गुप्ता and he is having a one jam in our system, and he is a well qualified trainer professional for the motivation guiding the student of various courses. He himself is a principal in the past. Later he joined us at our university. So today he is not only counseling the student, but also he is helping the student who are in our system in terms of value creation in their 3 years of time. So campus mein aake hum कैंपस के बारे में जानेंगे, क्या फैसिलिटी है पढ़ने की, रहने की, खाने की, खेलने की, ये सारी चीजें आपको बताने वाले हैं, है ना। एंड ओपन ऑल्सो मीन्स क्या ओपनली क्वेश्चन को रेज करें, जो भी माइंड में क्वेश्चन, छोटा भी क्वेश्चन आ रहा है आप रेज करें, ठीक है, बिकॉज इट इज मैटर ऑफ करियर, है ना। करियर पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, है ना। वट एवर थिंग्स आर कमिंग टू योर माइंड, प्लीज आस्क क्वेश्चन, बिल्कुल फ्रीली करिएगा, ओके। चॉइसेस, टेक देम सीरियसली, है ना। हम अपने फ्यूचर से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ओके। तो हमको क्या करना होगा, लाइफ के बारे में सोचना है, फ्यूचर लाइफ के बारे में सोचना है, और लाइफ के बारे में हम सोचेंगे तो तीन फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्टर क्या है, हमारा करियर। दूसरा करियर, दूसरा फैक्टर है हमारा हेल्थ, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमको देखने हैं। एंड थर्ड इज रिलेशनशिप, रिलेशनशिप विद योर फैमिली, रिलेशनशिप विद योर एनवायरमेंट, relationships with your teachers, parents, and the country. So these are the three important factors that you have to keep in mind for life choices. हम लोग अपनी life के बारे में अपना life build करने वाले हैं, है ना। Next जो हमारा होगा, चाहे हम MBA करने वाले हैं, चाहे हम BBA करने वाले हैं, हम एक नए scenario में आ रहे हैं, professional life में आ रहे हैं, तो हमको बड़े choosing होना है, selective होना है, और ये देखना है कि हम कर पाएंगे, क्या हमारे goals होंगे, हम किस लेवल पर जाना चाह रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना पैसा कमाने वाले हैं, है ना, हमारा मोटिव क्या है, वो बहुत जरूरी है। और अपने दिमाग के माइंड की सोचना है कि हमारा माइंड क्या कहता है, हमारी कैपेबिलिटीज क्या है और हम क्या कर सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी के कहने पर हम इसको चूक नहीं करेंगे, ओके। 50% आप अपना वेट रखिए कि मेरा माइंड क्या कह रहा है, मेरी कैपेबिलिटीज क्या कह रहा है, क्योंकि आप जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा आदमी जानता है, ओके। तो 50% बैठे आप अपने आप को देंगे, 25 बेटेज आप अपने पेरेंट्स को देंगे, पेरेंट्स कैसा है, उनका भी एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा बच्चा ये बने, है ना। 25 उनको बेटेज दीजिए और बाकी 25 अपने पीयर्स को दीजिए, जो कि हम देख के आगे बढ़ते हैं कि मेरा दोस्त ये कर रहा है, मुझे भी करना चाहिए, कोई बात नहीं, गिव बेटेज टू योर पीयर्स आल्सो, ओके। इस तरह से 100% हम इसको करेंगे, ओके। सो करियर चॉइसेस आर द लाइफ चॉइसेस एंड टेक देम सीरियसली एंड डू इट राइट। अभी सोच लो मुझे क्या करना है, 10 साल के बाद मेरे को कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, उसके हिसाब से अपने करियर को चूज करना है। कॉमर्स, जॉब, बिजनेस, कंपटीशन एंड नो आइडिया। जब आपके माइंड में लगता है कि क्या करूं, आजकल क्या ना सोशल मीडिया हो गया, अब हम क्या करते हैं, क्या जाना किससे पूछते हैं, जस्ट गूगल किया, क्या चॉइस है, बहुत सारी चॉइस आ रही है उसको, और उसको मान देते हैं कि करेक्ट चॉइस है। नो, मैंने पहले बोला इन्वॉल्व योर पेरेंट्स फर्स्ट। पेरेंट आपके जो फ्यूचर को पेंट करने जा रहे हैं, तो पेरेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट आपको बहुत समझते हैं कि आपके क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या थिंग्स, और वो क्या चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको फॉरन, इफ देयर इज नो आइडिया, कंसल्ट योर पेरेंट्स, कंसल्ट योर टीचर्स, कंसल्ट योर रिलेटिव। हमारे परिवार क्या होता है, हम किसी एक ही बात मानते हैं,
चाहे हम मदर की मानते हैं, सब पेरेंट्स की मानते हैं, या चाचा की दादा की किसी मानते हैं, ठीक है। एक आदमी हमारे लाइफ में ऐसा होता है जिसकी हम बात मानते हैं, ओके, तो उसको भी बेटे दीजिए थोड़ा 25%, उसको हमारे माइंड में कुछ नहीं आ रहा तो उसने हमको ही जाना, ओके। तो वी आर नॉट परफेक्ट, वी हैव टू कंसर्न, ओके, क्योंकि लाइफ हमारी है, फ्यूचर हमारा है, समय हमारा है, और अच्छा हो जाएगा तो फायदा किसको होने वाला है, आपको ही, ओके। तो क्यों ना हम ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व ना लोगों, हम लोग क्या पूछते नहीं है, कंसर्न नहीं करते, अपने समझते हैं तो बहुत अच्छा है, ये बहुत सबके साथ है, मेरे साथ भी है, आई एम परफेक्ट, मुझे किसी की कंसल्टेंसी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप फ्यूचर को अच्छा बनाना चाह रहे हो, प्लीज हैव द कंसल्टेंसी, आप जैसे मैंने पैरामीटर बताया, अपने को 50% रखो, कोई बात नहीं, 50% रखो, ओके, बट इन्वॉल्व हो, 10 साल के बाद 5 साल के बाद कितना कर सही आपको बनाएंगे, ओके, 10-15 लाख और यार, यस, वेरी गुड, आपको कितना चाहिए, 20-25 लाख आपको, यानी इतना चाहिए ना, ज़्यादा नहीं चाहिए, करोड़ में नहीं जाना, नहीं जाना, अरे अपनी सोचने की शक्ति है ना, उसको और ऊपर ले जाओ, जो लोग एक और कमाते हैं वो आपके जैसे काम होगा, इतना ही इतना साइज होगा, है ना, हमको 10-20 लाख नहीं जाना, 1 करोड़ जाना, 10-20 लाख आपको आज कर लग रहे हैं, लेकिन 10 साल के बाद वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो अपने सोचने का तरीका थोड़ा बदल दो। फर्स्ट ईयर बीजी प्रोग्राम एट SPSU, दिस इज द प्रोसीजर फॉर एनरोलमेंट ऑफ NCC, 1.6 किलोमीटर रनिंग, देन देयर इज अ स्मॉल रिटन टेस्ट ऑफ अराउंड 30 मिनट्स, अ फ्यू ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आर देयर, सम बोनस मार्क्स फॉर दोस हु हैव ए सर्टिफिकेट इन स्कूलिंग, and thereafter there is a personal interview conducted by commanding officer and associate assistant officer. After that we release a merit list and some documents are required like pen certificate, girl certificate, PSA or any sports certificates. At SPSU we have more than 22 students selected in Indian Armed Forces as an officer. You know, Lieutenant Commander Surbhi Sharma, she is recruited in Indian Navy. Major Commander Singh in Indian Army. Recently, in 2014, South African British selected in Indian Navy. These are the units of blood donated by SPSU students and staff in the past 10 years in collaboration with SDFC Bank. We have firing facility also, we have firing range for the cadets. But it's not easy to crack the examination, and a lot of effort has gone by the team, faculty, and sir. It's like what you see on the screen, but he himself has done the screening of the candidate. Maybe you will get inspired. So even different army officers are there during their selection process. Now we are having 3 pass programs. Synthetic pass programs are there, fully international standards. 4 badminton grounds are there. They are being renovated as per the international standards. 2 badminton grounds are there in girls' hostel. Separate badminton courts are there for girls and boys, and 2 common badminton courts are there for all of us, for the game team and all the students. Then we are having 2 lawn tennis grounds, which you can see just in front of that administration park. And apart from that, we are having kabaddi ground. Now we are again in a process to renovate that kabaddi ground. 1 cricket ground is there, 1 football ground is there, and from time to time we are motivating students to participate in different activities. We are having different clubs. All the activities, most of the time, all the activities are organized by the students. Which, like we have a football club, we have a motion club, we have a power club that represents cricket, football, and kabaddi. For all day scholars, hostlers, then all the faculty, staff, and their family members. The basic purpose of this 5 kilometer walkathon is to promote health. यहाँ पे आके काफी अच्छा लगा और हर department की जानकारी मिली, क्या-क्या subjects ले सकते हैं और उसके विषय में अच्छे से समझाया सर ने. मैं जब यहाँ आई तो मुझे पता नहीं था कि SPSU क्या चीज़ है, बस इसकी मेरा बच्चा पहले स्कूल की तरफ से आया हुआ था
तो इसने बताया मम्मी वहाँ एडमिशन लेना है जिनका इतनी यूनिवर्सिटीज और पहले की भी हैं तो उसमें क्यों नहीं, MLSU है, मुझसे ये BN में चला था, BCA ही तो करना है। लेकिन इसने कहा नहीं मुझे AI और वो जो लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन और जो लेटेस्ट कोर्स जो मुझे चाहिए वो वहाँ पे नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने कहा चलो देखते हैं। लेकिन हाँ जिस तरह से यहाँ के टीचर्स और सब समझा रहे हैं उससे मुझे लगा कि हाँ वाकई यहाँ पे लेटेस्ट जो चल रहा है इन्फॉर्मेशन और जो भी डिग्री कोर्सेज जो चल रहे हैं उनमें लेटेस्ट चीज़ों को आप उसमें सेलेक्ट कर रहे हो और बच्चों को पढ़ाओगे, तो इसलिए थैंक यू सर। अच्छा लगा जो भी बातें हुई यहाँ पे सर ने जो समझाया अच्छा समझाया।